बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय आले स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लाहौर के अलावा पंजाब के जो बाकी मेडिकल कॉलेज हैं उनके एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट डिस्कस करेंगे एमबीबीएस के लिए, कि क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स उनके हो सकते हैं। कल की जो वीडियो थी, क्योंकि मेरी लाहौर के 6 मेडिकल कॉलेज पर थी, उनको मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि क्या एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। और उस वीडियो के बाद मुख्तलिफ बच्चों ने मुझसे जो है कहा कि सर आप लाहौर के अलावा जो बाकी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाएं। तो ये वीडियो मेरी उन बच्चों के लिए स्पेशली जिन्होंने कहा था, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने निकाली है, ये जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स निकाले हैं, मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैलकुलेशन काफ़ी की, एफएससी के रिज़ल्ट को मद्देनज़र रखा, एमडीकेट के रिज़ल्ट को मद्देनज़र रखा, कितने बच्चों के 90 से ऊपर हैं एफएससी के रिज़ल्ट में, कितने बच्चों के एमडीकेट में 90 से ऊपर हैं, फिर देखा कि 91, 92, 93 एग्रीगेट वाले कितने बच्चे। सारी चीज़ें कैलकुलेशन करने के बाद ये मैं अपनी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि यही होगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरिट लिस्ट में यही जो है क्लोजिंग मेरिट्स होंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे ये होता है कि हमें एक मोटिवेशन मिलती है। अब देखिए, हमारा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, ये है कि अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक हौसला मिलता है, फिर हम मज़ीद उससे अच्छी ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो चलें वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान आता है। इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है इस दफ़ा 91.30% रहेगा। नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान, इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है एमबीबीएस के लिए 91.30% रहेगा। फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज लाहौर, इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 91.40% रहेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है, इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है 90.95% रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है एमबीबीएस के लिए 90.90% रहेगा, ठीक है। उसके बाद गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज है, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का 90.80% रहने के चांसेस हैं। उसके बाद कायद अजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर है, कायद अजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का जो क्लोजिंग एग्रीगेट है 90.75% रहेगा, ठीक है। उसके बाद सरगोधा मेडिकल कॉलेज, सरगोधा मेडिकल कॉलेज का 90.65% रहेगा, 90.65% इसका क्लोजिंग एग्रीगेट होगा। उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट, इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है 90.60% रहने के चांसेस हैं। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट 90.60%। उसके बाद साहिवाल मेडिकल कॉलेज है, साहिवाल मेडिकल कॉलेज का 90.45% रहने के चांसेस हैं, 90.45%। उसके बाद नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात, इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है 90.40% रहेगा, ठीक है। उसके बाद शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है 90.30% रहने के चांसेस हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास गाजी खान मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान, गाजी खान मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान, इसका जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो इस दफ़ा 90.20% रहने के चांसेस हैं। तो ये हो गए मेडिकल कॉलेज लाहौर के अलावा जो पंजाब के मेडिकल कॉलेज हैं उनमें ये एग्रीगेट रहेगा। तो आपने अपने मुताबिक देखना है कि किस मेडिकल कॉलेज में आपका जो है एडमिशन हो सकता है। अब अप्लाई तो आप लोगों ने कर दिया होगा, लेकिन अब कम से कम ये तो पता होगा कि आपको कि मेरा इसमें हो जाएगा इंशाल्लाह। ये जो एग्रीगेट मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह
दुआ है अल्लाह ताला से कि यही एग्रीगेट रहे, और जिसका इस पर एडमिशन हो सकता है उसके लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी। ठीक है, तो ये एग्रीगेट रहना है इस दफ़ा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें, और लाइक तो बनता ही है यार। ठीक है, तो आपने ज़रूर करना है ये। और नेक्स्ट मुझे बता दें कि आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे, उस कॉलेज पे, या किसी भी चीज़ पे आप वीडियो चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। ठीक है, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब वीडियोस अपलोड करते हैं लेकिन वो कमेंट्स का जवाब नहीं देते। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के कमेंट्स का सभी का जवाब दूं। ठीक है, कोशिश यही होती है। बाकी अगर किसी का कमेंट्स मिस हो भी जाता है तो दोबारा कर दिया करें, इंशाल्लाह मैं दोबारा नोटिफिकेशन आएगा तो ज़रूर देखूँगा और ज़रूर जवाब दूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।